भारत ही नहीं विश्व भर में प्रसिद्ध सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी एक योगी, रहस्यवादी, लेखक, कवि, दिव्यदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्ता है। इनके दुनिया भर में कई संख्याओं में फॉलोअर्स मौजूद है। ये ईसा फाउंडेशन नामक लाभ रहित मानव सेवा संस्थान के संस्थापक भी हैं। ईसा फाउंडेशन भारत समेत संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, लेबनान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में योग कार्यक्रम सिखाता है। साथ ही कई सामाजिक और सामुदायिक विकास योजनाओं पर भी काम करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद में विशेष सलाहकार की पदवी भी प्राप्त है। सदगुरु ने 8 भाषाओं में 100 से अधिक पुस्तकों की रचना भी की है। जग्गी वासुदेव, जिन्हें दुनिया भर में सदगुरु के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 5 सितंबर सन 1957 को कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में हुआ था। जब वे 11 साल के थे, तब वह एक प्रमुख योग शिक्षक से परिचित हो गए। इन्हें योग की शिक्षा श्री राघवेंद्र राव से मिली। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री के साथ स्नातक मैसूर विद्यालय में दाखिला लिया। कॉलेज में रहते हुए भी उन्हें मोटरसाइकिल में दिलचस्पी थी और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ बहुत यात्रा की। जग्गी वासुदेव ने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद एक व्यवसायी के रूप में अपना कैरियर बनाया। स्मार्ट, बुद्धिमान और कड़ी मेहनत करने वाले उन्होंने जल्द ही पोल्ट्री फार्म, एक ईट वर्क और एक निर्माण व्यवसाय सहित कई व्यवसाय खोले। वह अपने मध्य 20वां दशा में एक सफल व्यवसायी थे। 23 सितंबर 1982 की दोपहर को उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया जब उन्हें एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपने जीवन और प्राथमिकताओं का पुनः मूल्यांकन करना है। वह चामुंडी हिल में एक चट्टान पर बैठे थे जब उन्हें एक बहुत ही गहन आध्यात्मिक अनुभव हुआ जो लगभग 4.5 घंटे तक चला। इस अनुभव के कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने अपने व्यवसाय को अपने मित्र के पास छोड़ दिया और अपने रहस्यमय अनुभव में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक व्यापक यात्रा पर निकल पड़े। लगभग एक वर्ष की अवधि के बाद एहसास हुआ, उस पर हावी हो गया कि उसे अपने आंतरिक अनुभव को साझा करने के लिए योग सिखाना चाहिए। उन्होंने 1983 में मैसूर में योग कक्षाएं आयोजित करना शुरू किए। उनकी पहली कक्षा में 7 प्रतिभागी थे। समय के साथ उन्होंने कर्नाटक और हैदराबाद में योग कक्षाएं आयोजित करना शुरू कर दिए। उन्होंने कक्षाओं के लिए भुगतान से इनकार कर दिया और अपने पोल्ट्री फार्म से प्राप्त आय से अपने खर्चों को प्रबंधित किया। 1992 में उन्होंने ईसा फाउंडेशन की स्थापना की, जो एक गैर लाभकारी संस्था थी। ईसा योग नाम से योग कार्यक्रमों की पेशकश के लिए आध्यात्मिक संगठन कोयम्बटूर के पास स्थित संगठन वर्षों में बहुत लोकप्रिय हो गया और आज न केवल भारत में बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, लेबनान, सिंगापुर, कनाडा, मलेशिया, चीन, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी योग कार्यक्रम प्रस्तुत करता है।